अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कदीर अहमद और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूं। तो अभी हम जा रहे हैं अब काम की तरफ, अपने काम की तरफ। एक काम ख़त्म करके आ गए हैं और अभी दूसरे काम की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको दुबई का एक व्यू दिखाते हैं और फिर चलेंगे काम की तरफ। हम किधर काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं आज आपको पूरी डिटेल से यानी सारी चीज़ें बताएंगे और देखते हैं आज के यानी आज का काम। और अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। हम बुर्ज खलीफा के पास से गुजर रहे हैं। तो जी नाज़रीन, तो ये है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के बिल्कुल हम पास से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये है दुबई माल है इधर, ठीक है, इस तरफ। तो अभी तो हम थोड़ा स्पीड से हैं तो गुजर रहे हैं। तो दुबई माल था ये, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो शॉपिंग माल इसको कहा जाता है। और जो बुर्ज खलीफा था वो भी दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंगों में एक है, लेकिन अभी इसके बाद भी जो यानी बुलंद तरीन इमारतें हैं वो और भी बन चुकी हैं। तो ये जी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा एरिया बिजनेस बे का है, इसको बिजनेस बे एरिया कहते हैं, ठीक है। ये कुछ बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं जी शहजाद रोड की तरफ। और जो सबसे यानी आप कह सकते हैं कि दुबई की जो क्रीम है या जो सबसे ज़्यादा एक देखने वाली जगह है दुबई में, सबसे ज़्यादा जिधर होटल्स हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिधर आप कह सकते हैं कि टावर्स हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, होटल भी हैं, ऑफिस हैं। ये देखें बहुत ही खूबसूरत मंजर है, सही है। ये इस यही सर यही चीज़ जो है दुनिया देख के इधर दुबई में आती है कि चलें चलो चलो दुबई चलें, देखते हैं क्या है दुबई में। ये बिल्डिंग्स हैं बस, इसके अलावा तो इतना आप कह सकते हैं कि नहीं, मतलब खूबसूरत जैसे कि पाकिस्तान है, नेचर नहीं है इतनी ज़्यादा। आप कह सकते हैं कि कंक्रीट की जो खूबसूरती इसको कह सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स हैं बस, और बाकी रमल है, समंदर है, ठीक है। और ये है शहजाद रोड, और इसके साथ ही राइट साइड पे हमें मिलेगा जी मेट्रो ट्रेन का ट्रैक, ठीक है। ये मेट्रो जा रही है, दुबई मेट्रो, ठीक है। और ये दोनों इतराफ बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यही सब कुछ है यानी दुबई की मेन हब, आप इसको कह सकते हैं कि दुबई की मेन हब है, ठीक है। इसके बाद ही आपको एक खूबसूरत सा वो भी बिल्डिंग ही आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये विजिटर के लिए इन्होंने ख़ास तौर पे बनाया। इधर ऑफिसेज वगैरह भी हैं इसके अंदर। ये रिसेंटली इन्होंने ओपन किया, पहले तो बंद था जी। मैं चलते चलते आपको दिखा सकता हूँ गाड़ी में, ठीक है। गाड़ी भी थोड़ी स्पीड से है। ये है जी, इसको मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। इस पर कुरान मजीद की कुछ आयत अरबी में लिखी गई हैं, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखें आप दुबई के खूबसूरत रोड, तो उसके साथ साथ खूबसूरत नज़ारा, बिल्डिंग्स, मेट्रोस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ ही ये इस हमारी राइट साइड पे है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ठीक है। दुबई का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, इसमें यानी काफ़ी ज़्यादा जो नुमाइश वगैरह एक्सपो भी होती हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपो 2020 तो नहीं, लेकिन जो रूटीन में जो एक्सपो वगैरह चलते रहते हैं, जो कंपनीज हैं बड़ी बड़ी अपने ब्रांड वगैरह लेके आती हैं, ठीक है। और इधर बायर और सप्लायर सारे आते हैं, ठीक है। आपको पता ही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या होता है, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी होंगे, ठीक है, हर कंट्री में अपने अपने होते हैं। तो इसी तरह ये भी है। और सामने हमारे अभी जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये एडी सलात की है, तो उसके साथ ही दो बिल्डिंगें अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, ठीक है। तो अभी हम अभी सिग्नल पर रुक गए, तो आइए चलते हैं, अभी हम पहुंचेंगे काम पे, तो फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं और हमारा काम किधर तक पहुंचा है। हमारे साथ रहिएगा जी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। गाड़ी हमने पार्किंग में अंदर बेसमेंट के लगा दी है, लेकिन मैं अभी बाहर आया हूं, ठीक है। तो अभी चलते हैं, इस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपको दिखाता हूँ, सॉरी जी। ये बिल्डिंग है, ठीक है, आप नाम पढ़ सकते हैं, न्यू गोल्ड सूक, ये अरेबिक में है लेकिन उस साइड भी लिखा हुआ है। ये खूबसूरत सी बिल्डिंग है क्योंकि इसका नाम न्यू गोल्ड है, ठीक है।
न्यू गोल्ड सूख है तो ये इसमें गोल्डन कलर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और मैं अभी चलते हैं अंदर, ठीक है, तो अंदर आपको दिखाते हैं हम किस शॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या काम हो रहा है। चले जी, खुल जा भाई, सिम सिम, खुल जा खुल जा, ठीक है। ये दरवाज़ा खुल गया हमारे कहने पे शायद, और दूसरा भी डोर खुल गया। इसके बाद ये आपको दिखाता हूँ जी, एक खूबसूरत सा फाउंटेन है, ठीक है, ये खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये माल के अंदर फाउंटेन है, ठीक है, और ये जा रहा है जी नीचे पानी, ठीक है, नीचे पानी जा रहा है, वो नीचे तक जा रहा है, पार्किंग के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये खूबसूरत शीशा तो खूबसूरत सा ये माल, और चलते हैं अभी हम अपनी शॉप की तरफ, तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो ये है शॉप, ठीक है, ये शॉप, तो ये काम चल रहा है जी। काम इसमें अभी इधर कुछ सलून के रिलेटेड कुछ बन रहा है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इसमें हमने ये पूरी पाइपिंग की है, ठीक है, पाइपिंग अभी काम चल रहा है। तो इधर 5 सिंक लगेंगे, ठीक है, और लेडीज़ सलून है, वो लेडीज़ के रिलेटेड ही, पता नहीं हेयर्स का, नेल्स, केयरिंग, ये समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये है जी, ठीक है, इसमें हमने पाइपिंग की कर दी है, अभी ड्रेन का काम चल रहा है, क्योंकि ये पानी को ऊपर सीलिंग में से ले गया है, ठीक है, तो सीलिंग हमने काट के उसके बाद पाइपिंग करके ऊपर से कनेक्शन वगैरह कर दिया, ठीक है, कल का। तो अभी हम इसको फाइनलाइज करेंगे, अभी ड्रेन वगैरह डालेंगे, फिर टाइलिंग वाइलिंग करके, इसकी क्लीनिंग व्लिनिंग करके, तो ये शॉप हैंड ओवर हो जाएगी क्लाइंट के, ठीक है। तो नाजरीन, अभी मैं अभी मैं ड्रैगन मार्ट के लिए निकल चुका हूँ, ठीक है। तो ड्रैगन मार्ट मुझे आज जाना था, क्योंकि उधर से कुछ मुझे परचेज चीज़ें करनी थी, क्योंकि मुझे उधर शॉप के लिए, मैंने आपको दिखाया, उसके लिए मुझे टाइलिंग वगैरह चाहिए, ठीक है। तो टाइलिंग का अगर तो इधर, क्योंकि ये चाइनाज़ की टाइल लगी हुई है, ठीक है, तो हमने सेम लगानी है जैसे कि पहले लगी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे ड्रैगन मार्ट जाना पड़ रहा है, ठीक है। उधर से हम यानी उधर से सैंपल चेक करेंगे, ठीक है, अपनी टाइल्स जो है, टाइल का सैंपल मेरे पास ही है, तो टाइल हम मैच कर लेंगे, ठीक है, मैच करके हमें मिल जाएगी तो हम इधर से आर्डर अपना दे देंगे, ठीक है, आर्डर देंगे, और आर्डर के बाद हमें टाइल शारजा से नहीं मिलेगी, टाइल के लिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा शारजा, क्योंकि ये ड्रैगन मार्ट इधर दुबई में ही है, तो ये काफ़ी तकरीबन 50 किलोमीटर है ऑलमोस्ट शारजा जिधर इनका वेयर हाउस है, ठीक है। जितने भी ऑलमोस्ट ये ड्रैगन मार्ट में टाइल्स वगैरह वाले बैठे हैं, इनके जो वेयर हाउसेज हैं वो शारजा में, 90% के शारजा में, ठीक है। तो फिर देखते हैं, अगर हमें मिल जाती है आज सेम टाइल तो फिर हम परचेज़ कर लेंगे, और उसके बाद हम चले जाएंगे जी शारजा से जाके अपनी टाइल्स उठाएंगे, और फिर शॉप पे ड्रॉप करके फिर वापस जाएंगे। जी तो अभी मैंने गाड़ी पार्किंग कर दी है, ठीक है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके, तो अभी जो है मैं ड्रैगन मार्ट में आ गया हूँ, ठीक है, ड्रैगन मार्ट के अभी अंदर हूँ, तो चलते हैं ढूंढते हैं शॉप के ये टाइल किधर से हमें मिलेंगी, ठीक है, तो दिखाते हैं आपको अंदर से ड्रैगन मार्ट। जी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कुछ शॉप बाहर भी हैं और काफ़ी ज़्यादा अंदर हैं, नहीं आपको तकरीबन हर चीज़ मिलेगी इधर से, आप कह सकते हैं कि तकरीबन हर चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, इन शॉप्स में आप देख सकते हैं, और डिफरेंट नेशनलिटी के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले,
और अभी हमारा टाइल का सेक्शन किधर जाएगा देखते हैं। टाइल का इधर मुझे लग रहा है, इधर हाँ एक मुझे शॉप नज़र आई है, तो पूछते हैं इनके इनसे चल के कि टाइल है आपके पास कि नहीं। अभी ये भाई लोग चेक करेंगे फिर टाइल मिलती है कि नहीं। इसका नाम क्या भैया इस टाइल का? टाइल है ये चाइना की है ना, राखी तो नहीं है, पीछे से चेक किया नहीं। रखो इधर फ्रंट इसका रखना सेम है। कैमरे तो मैं वीडियो में तो